अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र है, एहसान है, करम है, फजल है। इसलिए वो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को इस मुबारक दिन के लिए कबूल फरमाया। आज दिन मुबारक है और बाबरकत वाला दिन है और पूरे साल की कारगुजारी आज लिखी जाती है। आने वाला जो साल है पूरा बायोडाटा उसका आज की रात में लिखा जाएगा कि किस आदमी को दुनिया से रुखसत होना है और किस बच्चे को दुनिया में आना है और किसको एक्सीडेंट से मरना है, किसको हार्ट अटैक से मरना है और किसको अचानक मौत आनी है और किसको फक्कर लगने से मरना है। ये सारी की सारी चीजें अखबार में बताया फरिश्तों के जरिए से आज लिखवा दी। तो मुबारक दिन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मात्रा में जो बात यह है कि हमारे बहुत सारे नौजवान और हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चे ऐसे हैं कि जो आज भी इतनी बड़ी दौलत से महरूम है, इतनी बड़ी दौलत से महरूम है। ये फरमाया कि इस रात में जागने की फजीलत हजार महीनों से भी अफजल है। और कल का जो रोजा है, रोजा तो वो नफली है। नफली का मतलब यह है कि अगर हम रख लें तो सवाब होगा और अगर नहीं रख लेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन फजीलत इतनी बड़ी है मोहतरम अजीजों कि आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने अजर अजीम का वादा फरमाया। लेकिन वादा किसके लिए है? वादा उसके लिए है जिसने मेहनत की और जिसने कमाया। वरना बहुत सारे साथी, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो मस्जिद तक आज भी नहीं आ पाते। अब साल के साल देखा जाता है कि कितने नमाजी हमारी मस्जिद में हैं, नमाज पढ़ने वाले हजरात कितने हैं और जुमे की नमाज में कितने आदमी नमाज पढ़ते हैं, पूरी मस्जिद भर जाती है। ये क्या होता है? ये माहौल का असर होता है। लेकिन नमाज जो अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज अहम की है, ये तो फर्ज है हर मुसलमान के ऊपर, आकिल और बालिग के ऊपर। ये रस्मी नहीं है, नमाज रस्मी नहीं है। नमाज तो हर हाल में उसके वक्त पर अदा करनी ही पड़ेगी। मजहब इस्लाम में बेहतरीन अमल क्या है? ये बेहतरीन अमल ये है कि नमाज तो उसके वक्त पर पढ़ी जाए। अब हमारी नमाज का हाल यह है कि वक्त पर तो पढ़ना अलग बात है, हम तो लास्ट में भी पढ़ पा रहे, हम लास्ट में भी पढ़ पाते। वजह क्या? वजह यह है कि हम लोगों के पास वो चिंगारी और वो ताकत नहीं है जिसकी वजह से हम मस्जिद तक आ सकते। और वो ताकत और चिंगारी क्या है? वो है ईमान। अल्लाह ने हम सबको ये ईमान दिया है, बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ा सरमाया है मोहतरम अजीजों। इंसान को दुनिया में रह करके कुछ भी ना मिले, लेकिन अल्लाह ये ईमान की दौलत से नवाज दे तो मोहतरम अजीजों समझो के काम बन जाए और सारी चीजें अदा कर दे अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन ये ईमान की दौलत ना नवाजे तो मोहतरम अजीजों यहाँ की जो मुख्तसर जिंदगी है वो कट ही जाएगी। लेकिन मसला तो असल आखिरत का है। अब बहुत हमारे नौजवान हैं, अल्लाह माफ फरमाए, हजरत अली उन्हें सबको माफ करें मौलाए करीब। अगली आखिरत का तो किसने देखा? देखा जाएगा, देखा देखा नहीं। والقدر خيره وشره من الله تعالى والباس بعد अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। और कयामत के दिन, यानी दुनिया से जाना है और कयामत में फिर जिंदा होना है, इस चीज का ईमान रखना भी हर मुसलमान के लिए लाजमी जरूरी है। अगर वो तो देखा जाएगा क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर ये अल्फाज आदि बार बार दोहराते हैं, तीन रात में दोहराते तो ईमान खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? अल्लाह ने जो हुक्म कर दिया, अल्लाह ने जो शरीयत बना दी और लिख दिया किताबों के अंदर, अब उससे हटके चलने में नुकसान ही नुकसान। मसलन एक आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा, किसी सुस्ती की वजह से नमाज नहीं पढ़ रहा, या गफलत की वजह से नमाज नहीं पढ़ रहा, या उसकी बात समझ में अभी तक नहीं आई नमाज नहीं पढ़ रहा, हज फर्ज है हज नहीं कर रहा, अल्लाह ने माल दौलत भी दिया, जाने की ताकत भी दी, लेकिन नहीं कर रहा नमाज की वजह से। लेकिन वो मुमकिन नहीं है। अगर वो मुमकिन नहीं है, वो इनकार नहीं करता, तो उसको कोई मुआवजा नहीं। और एक आदमी कह रहा है कि मैं मानता ही नहीं, नमाज क्या चीज है,
जो चीजें होनी चाहिए, जो नॉलेज होनी चाहिए, जो मालूमात होनी चाहिए, वो तो हमारे पास है नहीं। और जो मालूमात हमें नहीं होनी चाहिए, वो हमारे से कितने मालूम कर लो, हम उसमें सारी रात तक से आगे लेकर से हम उत्तर। आज की पोजिशन ये, अगर हमारे नौजवानों से ये मालूम किया जाए कि भाई जनाजे की सलाह सुना दीजिए, हमें जनाजे की नमाज में जो सलाह पढ़ी जाती है वो सुना दीजिए, तो अल्लाह माफ करे भाई, कुछ ही चंद लोग जिन नौजवान ऐसे हो जो सुना पाओ भाई, तो कुछ सुना दीजिए जनाजे की नमाज नहीं सुना सकते भाई। जो बालिग मैयत है, मर्द हो गया औरत, उसकी दुआ सुना दीजिए नहीं सुना सकते, नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि हमने माहौल नहीं पकड़ा, हमने माहौल नहीं पकड़ा, हम माहौल में नहीं गए। ये तो अल्लाह का शुक्र है, रब्बे करीम का एहसान है। शाह मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से बदले, मौलाए करीम। ये तबलीगी जमात का जो काम चल रहा, उनका ये कसम इतने नफे का काम है, इतना नफे का काम है, बल्कि मेरा जहन तो ये कह है कि बार बार कि अगर ये तबलीगी जमात का काम ना होता तो पता नहीं उम्मत कहाँ होती, पता नहीं उम्मत कहाँ होती। यानी इतने समझाने में और इतने बार बार घरों पर जाने में, मस्जिद वार की मेहनत करने में और उलमा की मेहनत करने में, जब हमारी पोजीशन आज ये है कि मस्जिद में फजर की नमाज में 7-8 मोई नमाज रह जाओ, आज फजर में तकबीर वाला कोई पढ़ने वाला कोई आया था, इतनी लेट आए और अल्लाह शुक्र पहले आना, आज ये लेट आए तो तकबीर पढ़ने वाला है कोई इंतजार करते सके। ये पोजिशन है, क्यों है पोजिशन कि हम दीन के कारखानों में नहीं, दीन की बातों को नहीं सीखा, दीन की बातों को नहीं पकड़ा। अब मिलेगी कहाँ ये मिलेगी, वही जहाँ थोड़ा सा अपना वक्त किसी पढ़ने की आदमी के पास, किसी मुलामा के पास, अच्छा किसी कोई जमात जाने के बाद जा रही है, जिनमें हम जा रहे हैं सीखे, तो हमें पता लगेगा कि हमें गुसल का फर्क नहीं पता, नहाने के तरीका नहीं पता, रोटी के फौज का नहीं पता, नमाज के वाजिबात का नहीं पता, नमाज के फराइज़ का नहीं पता, मुस्तहब क्या है उनका नहीं पता, नफले क्या है उनका नहीं पता, वाजिब क्या है उनका नहीं पता, फर्ज क्या है उनका नहीं पता, ईद की नमाज फर्ज है, नफल है, सुन्नत है, क्या है हमें पता ही नहीं। क्यों? हमने सीखा ही नहीं ये चीजें, हमें ये चीजें सीखी नहीं और ना ही सीखने की। अच्छा अगर कोई समझाने की या बताने की या हमें सिखाने की बात कहे तो सब चुप करता है, खामोश भाई मुझे बता दो, मुझे बताइए ना, बता दिया मैं सारे भाई मुझे बताइए ना। हाँ उन्होंने फरमाया कि जो मेरी दीन की बात बताने वाला मिल जाए उसका अदब है, क्या करो उसका अदब है। अब अल्लाह ने हमें कितनी सारी चीज़ों से नवाजा, अल्लाह ने तो शुक्र किया जाने कर सकते मोहतरम मंदिर को, किस किस चीज का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हमें आप इतनी बेहतरीन नामत है, यहाँ सफेदी भी है इसमें और काली भी है इसमें, और अल्लाह ने इसमें देखने की ताकत भी रखी, बहन को देखने की ताकत अल्लाह ने अलग रखी, माँ को देखने की अलग रखी, और अपनी बीवी को देखने की अलग रखी, महरम को देखने की अलग रखी, गैर महरम को देखने की अलग रखी, लेकिन अल्लाह ने आँख दिए महरम को देखने, गैर महरम के लिए आँख दी। मोहतरम अजीजों, एक आदमी 24 घंटे मस्जिद में बैठ के इबादत करे अल्लाह करे, और बाहर जा करके गैर महरम पर नजर डाले और उसको ये एहसास करे, उसकी लज्जत महसूस करे, तो फरमाए मोहतरम अजीजों जो उसने इबादत करेगा 24 घंटे वो सारी खत्म, सारी खत्म। और एक मरतबा जिसकी नज़र गैर महरम पर पड़ेगी, अपनी नजर थी वो गलती से पड़ेगी, और दूसरी नजर आदमी डालना दूसरे आदमी की नजर, और फरमाया कि अगर दूसरी नजर बंदा किसी गैर महरम पे किसी औरत पे डाल रहा है तो अल्लाह से उसका ताल्लुक नहीं है, यानी है अल्लाह से उसका ताल्लुक नहीं है। इतना बड़ा मामला है, अल्लाह ने आंखें दी देखने के लिए, पैर दिए चलने के लिए, हाथ दिए पकड़ने के लिए, नाक दी सूंघने के लिए, खुशबू भी महसूस करती है और बदबू भी महसूस करती है, और जबान दी जायका चखने के लिए और खुदा की तारीफ करने के लिए, खुदा का जिक्र करने के लिए, कुरान करीम की तिलावत करने के लिए, चुगलखोरी करने के लिए जबान नहीं है, चुगलखोरी करने के लिए जबान नहीं दी अल्लाह ने, ये अल्लाह की तारीफ करने के लिए जबान दी। तो
फरमाया और जब तक हमारे महफिल में किसी की गीबत ना हो जाए, जुगलखोरी ना हो जाए, दो चार पांच साल जहां खड़े होंगे, अगर जुगलखोरी नहीं हुई तो मजा नहीं आ रहा, बात में मजा नहीं आ रहा, बात में मजा नहीं आ रहा, क्यों यार उसकी बात तो करना नहीं हो, उसकी जुगलखोरी हो, तो ये हाल है। दीन है, दीन और शादी की चीज है, जिसको मिल गया ना अल्लाह तबारक व तआला, और जिसने सही इसको पकड़ लिया, जो दीन है जो अल्लाह का हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आवा तो मौत समझ लो दुरूद गरीब दुरूद शरीफ को दो से पढ़ जाए, पढ़ना वाजिब है सबके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, वो दीन जो बंदा पकड़ लेगा दुनिया और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसे पाया, बिल्कुल पक्का वादा है। और जिसने रस्मी काम किया तो रस्मी का मामला तो फिर ऐसा ही है, तुम नमाज को देख लो या जिक्र को देख लो या तिलावत को देख लो या किसी भी चीज़ को देख लो, तो रस्मी का मामला तो ऐसा ही है। इतनी सारी चीज़ों से अल्लाह तआला ने बताया कि हम सबको नवाजा है, लेकिन हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जिससे हम शुक्र अदा करें। हाँ, हमारे पास अल्फाज नहीं है जिससे हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने जबान के अंदर 3000 से ज़्यादा सोरा बनाए हैं इस जबान में, 3000 से बोली जो आँखें हैं ना आप आँखें, 10000 से ज्यादा इसके अंदर कलर और रंग है। हदीस हमारे पास में बोलते हैं बार बार आता है, तो कितनी बड़ी नामत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता की है, लेकिन इंसान है कि शुक्र अदा करने के लिए भी तैयार नहीं है। आज हम कहीं पर लगे हुए हैं सब आदमी, हम आज खाने पे कमाने पे, अच्छा कमाना, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छा आने जाने की सहूलतें, सारी चीजें अच्छी चाहिए। और अल्लाह तआला ने फरमाया कि इंसान मेरे तमाम नामतें तेरे लिए बनाई, क्या बनाई, तमाम नामतें जितनी भी हैं वो तेरे लिए हैं और तू मेरे लिए। अल्लाह तआला तो यह बंदे से बंदा क्या कह रहा है, अल्लाह तबारक उतारा सारी चीजें आपने मेरे लिए बनाई और सारी खाऊंगा भी पीऊंगा भी आराम भी करूंगा, लेकिन इबादत या तेरा जिक्र नहीं करूंगा। कर नहीं रहे हम, कर नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह तआला का फरमान है कुरान में, कुरान करीम के अंदर आता है कि अगर हम दिन को दिन ही रहने दे और दिन में से रात को ना निकाले तो क्या कर लोगे, कोई ताकत है तुम्हारे पास, कोई ताकत या कुवत है जो हम कह सके, या दिन को दिन ही रहने दे दिन में से रात ना निकाले तब क्या कर लोगे, या रात को रात ही रहने दे उसमें से दिन ना निकाले क्या कर लोगे। अल्लाह तआला का फरमान है कि मेरा आसमान मेरे आसमान के नीचे, मेरी जमीन के ऊपर, सारी चीजें खाने की मेरी, सारी चीजें पिलाने की मेरी, अच्छा जी रहने की सारी सहूलतें कौन दे, अल्लाह दे। और तो मतलब हमने एक बात सोचो तो सही, हम सोचे एक बात गौर करें कि अगर शोहर और बीवी जना है, अब जिम्मेदारी तो शोहर की है बीवी भी है सारी की सारी, ये सारा का सारा ऐसा जा बीवी का शोहर भी नहीं उठाओ, अब बीवी कहते हैं कि धारा में नहीं बनाने की, मैं झाड़ू नहीं लगाने की, मैं खुला काम नहीं करने की, तो ईमानदार से बताओ हम उसको इतने काम करेंगे नहीं करेंगे, लट अनगिन बजावे क्या बजावे लट अड़गिन बजेंगे। अरे अल्लाह ताला के यहाँ हथौड़े बनेंगे, हथौड़े लोहे की भी हथौड़े है, अरे वो देखा ना अपने संदूक बनाया का ऐसा हथौड़ा, वो लकड़ी का, अल्लाह के यहाँ लकड़ी का भी हथौड़ा है और प्लास्टिक का भी है, इंतजाम अल्लाह के यहाँ सबके है, इंतजाम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबके है। जो फर्मा बरदार हुआ, अल्लाह की फर्मा बरदारी करी, अल्लाह की बातों को माना, अल्लाह ने उसे नवाजा दुनिया में और आखिरत में, और अल्लाह को जिसने नहीं माना और उसके हुक्मों को नहीं माना तो अल्लाह ने उसके इंतजाम भी कर दिया। मौत मुझे तो हमारे सबके सामने क्या है, सबके सामने इब्राहिम खलीलुल्लाह कौन है, पैगंबर है, बड़े रसूलों के रसूल है, सामने कौन था नमरूद,
बंदा नमरूद इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के क्या है सलीम, और सामने दुश्मन कौन है नमरूद। ना फरमाने की खुल्ला खुल्ला अलग ऐलान, कैसा इलाज किया अल्लाह तबारक व तआला ने, कैसा करा मोहतरम अजीजों, मच्छर से हलाक करवाया जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसे हम चुटकियों से मच्छर को समझते, मच्छर से हलाक करवाया। वो मच्छर भी होता बिल्कुल नाकिस, जिसकी कोई वकात नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई हैसियत नहीं, लंगड़ा मच्छर भी कहता लंगड़ा। उसने खुदाई दावा किया, अल्लाह ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, और इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग से भी बचाया। अब आखिरी बात में एक बात और याद आ रही है, जिस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में पड़े हुए थे, डाल रखे थे, तो वहां कोई जो गिर गया हो ना गिरगिट, जैसे क्या गिरगिट, यो हर रंग बदले, जैसे पेड़ पे चले जाना ऐसा ही रंग बदले। अगर हर पेड़ पे चला गया तो हरा हो जा, लाल पेड़ पे चले जा तो लाल हो जा, जिसे पढ़ने जब 5-7 दिन पहले जो उनसे पेड़ का जिस कलर का चला जा उसी कलर का ही हो जा। गिरगिट का मतलब और बाहर हो तो देखा सुना हो इब्राहिम खलीलुल्लाह को जलिए, ये तो और जलने चाहिए। तो उस आग में उस गिरगिट ने फूंक मारी, हमारी फूंक मारी कि आग और दहके और जल्दी जले। अच्छा एक बात बताओ कि उसके फूंक मारने से आग दहक रही थी, दहक तो रही थी, लेकिन उसकी नियत देखी गई कि उसकी नियत क्या थी, मामला खत्म, नियत देख ली। उसके बाद फिर मेंढक का गुजर हुआ, अब मेंढक ने देखा जो हो अल्लाह के मासूम पैगंबर आग में पड़े हुए हैं और आग इनको सता रही है, तो मेंढक अपने मुंह में पानी लेकर के आया और पानी से आग बुझानी चाहिए। नियत सामने आई, अंदर की जो बात थी वो निकल के सामने आई, ना तो गिरगिट के फूंक मारने से आग दहक रही थी और ना ही मेंढक के पानी लाकर बुझाने से आग बुझ रही थी, लेकिन उन दोनों की नियत साफ, उन दोनों को पता चलता है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो बंदा एक पहले वार में गिरगिट को मारेगा सोने की है, कितनी सोने की है, और मेंढक को मारने से मना फरमाया। अच्छा देख लो, महसूस करो आप, जहाँ भी कहीं गिरगिट किरले दिख जा रही, किरले भी कहे किरले दिख जा रही, अच्छा जी बुरा सा हो गया होता बताओ, तुम ही सोच के भाई गलत हो, और भाई का तो छोड़ दा जहाँ तक जाऊँ मुझे आगे भाई क्योंकि मैं जा रहा हूँ घूमने फिरने काम है, तक ये आगे भाई मुझे जाने सारे, अगर मुझे दिख गया कहाँ निकल रहा है गिरगिट तो मैं बाइक खड़ी करके पहले उसके इंतजाम करूँगा, मेरा भी इतना जी बुरा होगा। अच्छा और देखो मेंढक है, वो मेंढक लगी है नहीं, हम तो मेंढक है, मेंढक को देख के मना फरमाया था, पांच चीजों को मानने से मना फरमाया, उनमें एक मेंढक भी है, मेंढक है, शहद की मक्खी है, हुदहुद है, एक सर है और एक मछली है, ये पांच चीज है, इन्हें मानने से मना फरमाया। मछली को देख लाओ, मछली को देख के एक अंदर से मोहब्बत सी महसूस करेगा, मेंढक को देख के एक मोहब्बत सी महसूस करेगा, शहद की मक्खी हालांकि काट ले लेकिन काटने के बावजूद भी थोड़ी सी उसकी मोहब्बत है, क्यों अल्लाह के रसूल प्यारे अभी हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात ये थी कि नमरूद के इंतजाम कर दिया अल्लाह ने, नाफरमानी करी इसने नमरूद ने, उसका इंतजाम कर दिया, इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने नवाजा। फिर वाक्य लंबा, उसके बाद मूसा अलैहि सलाम के सामने कौन थे, फिरौन, उन्होंने कहा कि मैं भी खुदा हूँ, अल्लाह ने उनका भी इंतजाम कर दिया, क्या इंतजाम करा, उसी दरियाए नील में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहि सलाम को रास्ता दिया और 12 कबीले आपके साथ थे, कितने 12 कबीले साथ थे, और फरमाया कि 12 ही रास्ते के नाम दरिया के अंदर हुए, 12 ही रास्ते दरिया के अंदर हुए, और जैसे घोड़ों पे चलने की ताबू की आवाज आती है ना टक टक टक, ऐसे ही आवाज आ रही थी, उसी दरिया ने फिरौन को गर्क कर दिया, उसका इंतजाम कर दिया, और उसी दरिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दिया। तो क्या है, जिसने अल्लाह की नाफरमानी की अल्लाह ने उसके इंतजाम कर दिया, और जिसने अल्लाह की नाफरमानी करी अल्लाह ने उसको नवाज दिया, वही मदद कल थी, वही वादा कल था, और इंशाल्लाह आज भी है और कयामत तक रहेगा। अब हम अगर करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी तो बेफिक्र रहो मोहतरम अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी नवाजेगा और इंशाल्लाह नफा भी। बात लंबी हो जाएगी, याद आती रहेगी, निकलती रहेगी, नहीं जमात वाले साथी आएंगे भाई, अल्लाह के मेहमान है, खाना नहीं भी खाना नहीं खाए, अभी खाना भी नहीं खाया, टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, मैं ये भी तो इंतजार कर रहा हूँ, नहीं नहीं चलते रहने इसके बारे में तो
थोड़ी सी बात तो उजागर से हो जा और फिर अपना थोड़ी सी बातचीत। अच्छा आज जागने का मकसद क्या है, मतलब क्या है जागने का मकसद? ये है कि ये ही नहीं कि हम मस्जिद में ही जागे, अपने घर भी जाग सके, अपने घर में रह करके कुरान की तिलावत कर सकते हैं और तस्बीहात की पाबंदी कर सकते हैं, फिक्र कर सकते हैं। किसी को अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, तो फरिश्ते फौरन रजिस्टर में लिखते हैं भाई कुरान, ये साजिद भाई और शुएब भी आना ये जिक्र कर रही है, अब लिख लेंगे। अब क्या होगा तुम्हारा नया हमारा नाम क्या होगा, फहरिस्त में आ जाएगी, लिखो लिखने वाले करने वाले। अब अगर हम पढ़ के सो गए तो भाई फिर तुम बता रहे कि क्या उठा रहे जा रहे का कटका और सोचेगी मैं लोगों को कटिया भी नहीं मिलती थी, वो कटिया भी नहीं मिलती, तो इसलिए घर में रह के हम कैसे भी निकल सकते, चलो शरीफ पढ़े आए कुर्सी पढ़े चारों कुल पढ़े रमी चली पढ़े कलमा पढ़े कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। अरे ये तो है नहीं कि भाई अब हम क्या नाम जाग रहा है तो गैर मुस्लिमों को पता लग रहा है कि गैर मुसलमानों का त्यौहार है, शोर शराबा इसे मना फरमाया और हमारी क्या नाम अहमद और यही बात कब्रिस्तान में जा रही है। यही नहीं है कि कब्रिस्तान में आज ही जाके सारे जितने भी हमारे मरहूमीन गुजर चुके हैं सबको सबकी आज ही मफलत होगी, बल्कि फरमाया कि साल के साल अपने मुर्दों के कब्रिस्तानों में जाना चाहिए। जो आदमी जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद कब्रिस्तान में जाता है अपने बड़ों के लिए दुआएं मफरत करता है उनके लिए पढ़ता है तो मोहतरम मस्जिद अल्लाह उस पर तो रहम करम का मामला करते ही है, लेकिन जो तो पढ़ने वाला है जाने वाला है अल्लाह ताला इसकी भी मफरत करते हैं। तो जुमे के दिन जाना चाहिए, इसमें आज भी चले जाए और ना भी जाए कोई हरज वाली बात नहीं है। अब ये भी नहीं है कि जाना लाजमी है साल के साल में शुरू रात भी जा, ये रस्म में आ गया, रस्म में आ गया, हमें ये रस्में तो हमें छोड़ दी, हमें तो वो काम करना है जो हुजूर पास करते हैं, उस तरीके पर करना है और उसी तरीके पर हमें चलना है और वही बात को माननी है और वही हमें अपना अपने अहल वयाल को बतानी है और समझना है। तो इसलिए हम इबादत करेंगे बड़ी खामोशी के साथ में करेंगे, तहज्जुद की नमाजें पढ़ेंगे, नफले भी पढ़ेंगे और तस्बीहात भी पढ़ेंगे, लेकिन खामोशी के साथ में करेंगे। जो हमारे तकलीफ मोमिन की शान नहीं है, ईमान वाला तो तकलीफ नहीं देता, ये फरमाया ईमान वाला है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, श्रीमान वाला वो है मोमिन वो है जो किसी को तकलीफ ना दे, क्या ना दे तकलीफ ना दे, चलने से फिरने से आने से जाने से जाने से कारोबार से रहने से सोने से हानी और जबान से देखने से किसी को तकलीफ ना हो, वो है मोमिन। कौन है वो मोमिन है, वो ईमान वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके सहाबा इकराम से कहता हूं गैर मुस्लिम ईमान के इंतजार से आपके आदत अखलाक को देख करके हुए कि आपके आपके आदत अखलाक आधा दर्जे के थे, कि वाकई ऐसे हो ईमान वाले ऐसे हो मुसलमान, एक हमारा हाल है हम तो मुसलमान है, हम मुसलमान ऐसे हैं ऐसी बात कहेंगे अपने भाई को ऐसी कहेंगे उसकी उसके दिल को खराश की हुई बात हमारी चली जाएगी। हम तो कह ही ऐसी बात निकाले के ला जो बहुत दिन पीछे पूछे पीछे कहने लगे तो आज ऐसी मुंह का मालूम है उसके बाद याद रखेगा सारी उम्र। और भाई साहब हम कहते हैं ऐसी बात हमने इसके चलते मैं एक आदमी को कह रहा हम जिन्हें तो मुंबई गए जो कहना मैं तो मुंबई गए तू मोना बयान कर रहे थे मोना तारिक जमील साहब कि भाई तू मुंह पे तो कह रहे हैं लेकिन तेरी उस बात को कहने से जो तूने उसके मुंह पे कही उसके दिल के कितने टुकड़े हुए, कभी अंदाजा लगाया तूने इस बात, कभी एहसास करा इस बात, कभी सोचा कि मेरे भाई का दिल टूट गया। अभी जब मैं तो साफ से कह दूंगा मेरे साफ से तो कह दे लेकिन उसके तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए वो तो मर गया। तो इसलिए हम कभी किसी अपने भाई को या किसी गैर मुस्लिम को भी ऐसी बात न कहें जिससे उसका दिल टूट गए, मजाक में ऐसी बात नहीं कहती, वैसे भी ऐसी बात नहीं कहती, क्योंकि हम अपनी जबान को रोक के रखते हैं, ये जबान अंदाज है हमें और जबान का काम क्या है, जबान का काम है बोलना, क्या है जबान का काम है बोलना, गाली दे दो आप एक से एक निकल गा रही है बोली तो रही हो बोली तो रही जबान, गाली दे दो आप एकदम एक से एक बोल रहा हूँ शुगर खोली कर लो पर पता नहीं कहाँ कहाँ दिया था
और इसी जबान से अगर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करेंगे, दुआ करेंगे, तिलावत करेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे तो नफा होगा। और इसी जबान से अगर गाली देंगे या चुगलखोरी करेंगे या किसी को बुरा भला कहेंगे तो नुकसान। लेकिन है तो जबान ही, जबान का काम क्या है? बोलने का। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है, डिपेंड करता है कि हम इसे किस तरीके से इस्तेमाल करें। गाली देने में इस्तेमाल करें या हम इसे अल्लाह की इबादत करने में इस्तेमाल करें, ये हमारे ऊपर। अब हम ऐसे हो रहे कि हम हो रहे नफ्स के गुलाम, शैतान के गुलाम। एक जगह जैसी बात चल रही थी, बात होने लगी कि भाई जब हदीस है अल्लाह की तरफ कि जब बंदा सोए ना रात को तो उसके शैतान तीन गिरे लगा दे, शैतान तीन गिरे लगा दे। जब बंदा उसका है अल्लाह का नाम लेता है तो एक गिरा खुल जा, और जब वजू करता है तो दूसरा गिरा खुल जा, और जब नमाज पढ़ लेता है तो तीनों गिरा खुल जा। और शैतान उसे नमाज के मतलब के साथ ही आगे कह दें पता रात बहुत है, रात लंबी है अभी, अभी और नींद ले लें। तो आदमी सोचे कह दें 10-15 मिनट होश हो ले यार, 10-15 मिनट होश हो ले और नींद से पड़ जाएगी, सारे दिन काम बहुत करना। और वो 10-15 मिनट में पता लगा कि फजर तो गई, इशराक भी गई, अब उसका नंबर आ रहा हो चाश्त की नमाज हो उसमें उठ रहा आदमी। अब शैतान के दबदे में ऐसा ऐसी बात चल रही थी, एक नौजवान कहने लग रहा है अब जी देखो अब तक तो मैंने जो करा करा नहीं करा तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद शैतान से मार रहे बाबा को ऐसे फरीक नंबर नहीं। भाई बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला तुम इस्तफा नसीब फरमाओ भाई और हमें भी सबको सही समझता फरमाओ। तो वो दिन आज का दिन उस विचार है ना कभी फरीक नंबर कहने लगी मैं शैतान को हरा कर दूंगा, हम ऐसे भी तो हरा में वैसे भी तो लड़ाई झगड़ा करें लेकिन मैं शैतान को हरा कर दूंगा। और उसने हराया नहीं शैतान, फजर की नमाज तो पढ़ा नहीं करा था वो, लेकिन उसने फिर फजर की नमाज मुस्तकिल पढ़ी। अच्छा हमारा क्या मामला है, हम तो थोड़ा सा उठते भी साथ ही शैतान ने रहा कहने के नमाज रात को होली नमाज अली बस मिला कर पढ़ लिए, अब पता लगा भाभी निकल गई नमाज की नमाज उस साथ भी निकल गई वो नमाज ही मतलब। फरमाया कि जो आदमी वक्त पर नमाज पढ़ता है तो उसने क्या कमाया, क्या कमाया, इतनी सारी नेकी कमाई उसने, इतनी सारी नेकी कमाई, इतनी सारी नेकी कमाई क्या आदमी इतना कैसे नहीं कमा सकता, एक दिन में दो दिन चार पाँच दिन महीने दो महीने में नहीं कमा सकता, क्या कमाया 1,35,56,400 कितनी आगे कितनी मछली 32 32 1,35,54,432 देखे कमाई उस आदमी जिसने एक नमाज कमा सके हम इतना पैसा है। तो अल्लाह तेरा नहीं दे रहा वल्लाही अल्लाह जो सब बात कर रहा अल्लाह के यहाँ हर चीज के खजाने हैं। ये जो इधर है ना छोटी छोटी ये शिष्य है हमारे यहाँ तो थोड़ी सी शिष्य में डाल के अपने इधर आते गिरे और अल्लाह के यहाँ क्या है कैंटर है बड़े बड़े कैंटर इधर के कैंटर। हाँ अल्लाह यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह ने फरमा दिया कि हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, हम देते भी हैं और लेते भी हैं, लेकिन जब बंदा हमसे मांगता है तो हम उसे देते हैं और जब बंदा हमारी नाशुक्री करता है हम उससे अल्लाह ने जो नामते हम सबको अता की है मुटापा की कसम बेशुमार नामते हैं, नहीं शुक्र अदा कर सकते माँ के पेट से पैदा होने के बाद और अल्लाह इतनी जिंदगी अता करे दुनिया में सजदे नहीं अगर पड़े हैं अब शुक्र का ही सजदा अदा हो गया तो मौतों के लोग नहीं हो सकता हमसे शुक्र अदा। मूसा अलैहि सलाम चले जाने के बाद लंबी होती जा रही भाई बस दो घंटे की लोग बात लंबी कर लो कर लो। हाँ मूसा अलैहि सलाम चले जा रहे थे एक मिनट भाई साहब हम सिवा ना शुक्र है हम तो ना शुक्र है मेरा सी मुसीबत तो जा रही परेशानी यही रही कहना कह रहे भाई अल्लाह ताला यार सारी परेशानी यही देना हमें आज मैं इसमें डाल दिया तो देखो अब बड़े हो गए हैं भाई साहब तने तनहा जंगल बरहना बरहना यानी नंगे और सदर ढका हुआ है रेत से कहीं से रेत से मूसा अलैहि सलाम चले जा रहे हैं कहाँ ऊपर भाई मूसा अलैहि सलाम आप जा रहे हैं मूसा है आप कलीमुल्लाह है ऐसे बात करने वाले हैं हमारे बारे में पूछ लीजिए जरा हमारा क्या मामला हमारे में तो कुछ है ही नहीं शायद भाई हमारे में तो कुछ है ही नहीं अब अच्छा जी ठीक है पूछ ले अब भाई बार गए खुदाबंदी मालूम करा
अल्लाह ताला उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तुम कह रहा कहने लगा ठीक है जो रेत है वो गंगा देंगे, अब वो जो रेत था हवाई वहां को तेल लगी थी हवा ने मारा था, हमारे कौन सा काम चल रहा हवाई, रेत भी उठ गया। अब भाई साहब नंगे पड़े, अब भाई साहब बिल्कुल पता मूसा ने सलाम करा था, आप बता दो, अब जो रेत था वो भी उठ गया। ना शुक्री करिए खुदा रब्बुल आलमीन की, क्या करिए ना शुक्री करिए खुदा रब्बुल आलमीन की, अल्लाह ने वो रेत उगा दिया। अब क्या हो रहा, अब जलील खार, अब लोग बरहना अगर किसी के सतर देखेंगे तो शर्म तो महसूस करेगा आदमी, करेगा नहीं करेगा। अब भाई साहब नंगे पड़े, अब बरहना है, जो रेत था वो भी उड़ गया। बताओ जी क्या हाल है जी, बस अल्लाह के सामने रखते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र, खुदा की कसम हमारे पास कोई और रास्ता है भी नहीं, अल्लाह ने हमें जो दे रखा ना यकीन जानो खुदा की कसम, समझो कि भाई माला माल, अगर ना शुक्री करेंगे तो अल्लाह इसे भी छीन लेगा। अरे भाई किताबों की बात है, बिल्कुल पक्की बात है यार, आप लोगों की नजरों में भी होगा, राजी जी बताओ जा हमें, अरे भाई हमने भी देखा एक मामला बिल्कुल हमारे भी सामने, हमारे करीबी थे अजीज थे, वो कह रहे थे कुछ है ही नहीं, 60-70 बीघे जमीन थी उनके, वो कह रहे थे कुछ है ही नहीं कुछ है ही नहीं कुछ है ही नहीं, वो दिन आ गया आज कुछ है ही नहीं, सार सपन साहब फरमाया कि जो बंदा हमारा शुक्र अदा करता है उसकी नामत को बढ़ा दे, और जो ना शुक्र करे उसकी नामत को घटा दे, जो जो अल्लाह ने हमें दिया उसमें हम शुक्र अदा करें और अल्लाह से मांगे रो। जो फरमाया कि अगर तुम्हारी कोई जरूरत है तुम्हारे जूते का नीचे जो तलवा हो ना वो भी टूट जा तो भी अल्लाह से मांगो, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, अल्लाह तबारक करे कि मेहनत करो जिद्दोजहद करो मैं उसमें डालूंगा, मेहनत में निर्भर ना रहो, जब मैं मेहनत करूंगा तो मुझे जाएगा, अल्लाह बगैर मेहनत के भी खिला दे, क्या करते हैं अल्लाह बगैर मेहनत के भी खिला दे, एक पेड़ है उसमें अंधा सांप है मुंह पाए हुए बैठा है, एक चिड़िया आती है उसका रिज बनाती है और उसे खिला, कौन खिला रहा अल्लाह, इसलिए नहीं होता ताकत नहीं अल्लाह खिला रहे, अल्लाह अंधे सांप को जब रोजी दे सकते हैं तो बहुत अल्लाह ने हमें आगे रखी है, जब अल्लाह इस अंधे सांप की रोजी यहाँ पहुंचा सकते हैं तो मुझे तो अल्लाह तबारक तआला ने तो हाथ दिए तो पैर दिए तो आंखें दी बदन दिया, मैं मेहनत कर सकता हूँ और मैं जब जहद भी कर सकता हूँ तो अल्लाह मुझे ये भी तौबा कर लेगी और तो मतलब हम जो भी चीज मांगो अल्लाह से, इंसान के कब्जे कुदरत में कुछ नहीं, इंसान तो मोहताज है, एक जर्रे जर्रे का मोहताज, और देख लो हम सबके सामने है, ऐसा नहीं है कि है नहीं, हम सबके सामने है। अच्छा बताओ अपनी मर्जी से साथ ले सके, ले सके नहीं ले सकते अपनी मर्जी से, हम ये जो आधी पलक है ना हमारी पलक, ये सटर सा दे रखा अल्लाह तुम्हारे बता लेना सटर, ये जब हवा चले ना कहीं देखा होगा हवा चले रेत उड़े तो एकदम ये सटर बंद हो गया, ये सटर ही दे रखे अल्लाह तुम्हारे बता लेना, अल्लाह का नहीं महत्व तो शुक्र अदा उदा, तो कितनी कितनी बड़ी नामत अल्लाह तबारक वताला ने हमें सारी दे रखी, लेकिन हम कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक वताला ने बस चीज को सारी मारी है, लेकिन हम करने को कुछ नहीं, क्या करने को कुछ नहीं, और फिर अल्लाह ताला ने कह रहा क्या कह रहा कि अगर तुम नहीं करने है कुछ तो मेरे पास हर डिजाइन का हुक्म है, हर डिजाइन का लोहे का भी प्लास्टिक का भी लकड़ी का भी, अल्लाह के यहाँ सब इंतजाम है, पीछे बात भी सर अल्लाह के यहाँ इंतजाम सब है, तो इसलिए अपनी जिंदगी को हम सब से हम सारे के साथ अपनी जिंदगी कौन सा रास्ता और कौन सा रास्ता अपना इख्तियार करना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं और समझाने की जरूरत नहीं, इस बात का अंदाजा खुद ही लगा ले इंशाल्लाह नफा, और आज सभी पर आते हैं जागने की रात है, बात करने की रात है, बड़ी खामोशी के साथ में हम इस रात का अदब एहतराम करें, और आप लोग अगर इजाजत दें सभी हजरात तो दो तीन मिसरे नाथ के मोहम्मद नवाज पढ़ते आपके सामने फिर दिमाग पर ध्यान रखा लें, अगर आप कहें तो मैं कह दूसरों को आ जाऊंगा एक दो नाथ के मिसरे करवा दूंगा, भाई
दरवाजों पर गई, जिसके माँ बाप हयात हैं, जिंदा हैं, बड़ी नामत है। जो फरमाया कि जिसने अपने माँ बाप की खिदमत कर ली, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया भी नवाजते हैं और आखिरत में जिसको नवाजते हैं और नवाजते रहे। तो खुश नसीब है वो इंसान जिनके माँ या बाप जिंदा हो। तो शेख अल्लाह हम दिया फजूल टूटने के बाद हम दिया फजूल दिल हमें लौटने के बाद देना हमें लौटने के बाद और कर दे जन्नत का है सुआद कर दे माफ़ मेरी जन्नत का है सुआद जन्नत ना मिल सकेगी तेरे लौटने के बाद जन्नत ना मिल सकेगी तेरे लौटने के बाद और कर दे जन्नत का है कर दे मेरी जन्नत का है सुआद जन्नत ना मिल सकेगी तेरे लौटने के बाद जन्नत ना मिल सकेगी तेरे लौटने के बाद। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की फरमानदारी के तरीके सुना दीजिए। दो तीन मिसाल आपकी सुनिए मैंने कहा नाते मुस्तफा की जब कोई गुनगुनाता है नाते मुस्तफा की जब कोई गुनगुनाता है नाते मुस्तफा की जब कोई गुनगुनाता है ये जमीन क्या सुनकर अर्श झूम जाता है ये जमीन क्या सुनकर अर्श झूम जाता है और आफियत इसी में है और आफियत इसी में है
के सवार दो खुद को और आफियत इसी में है, के सवार दो खुद को हर अमल मुहम्मद का आईना दिखाता है, हर अमल मुहम्मद का आईना दिखाता है। नाते मुस्तफा की जब ठोकरों में जिसकी है ताज बादशाहों के, और ठोकरों में जिसकी है ताज बादशाहों के, ताज बादशाहों के सादगी का ये आलम, सादगी का ये आलम। बकरियां चराते हैं सादगी का ये आलम, बकरियां चराते हैं। नाते मुस्तफा की जब कोई गुनगुनाता है, ये जमी क्या सुनकर अर्श झूम जाता है। जो दिया जलाया था 1400 बरस पहले, जो दिया जलाया था 1400 बरस पहले, जो दिया जलाया था 1400 बरस पहले, 1400 बरस पहले, वो दिया जमाने में, वो दिया जमाने में अब जगमगाता है, वो दिया जमाने में अब जगमगाता है। नाते मुस्तफा की जब